नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के दौरान एक प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की कई छात्राओं से ही गलत वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और प्रिंसिपल आफताब आलम को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय कटघर में तैनात प्रिंसिपल पर कई छात्राओं द्वारा गलत हरकत करने के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में शिकायत परिजनों ने पुलिस को दी है और पुलिस ने भी शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी प्रिंसिपल की तलाश में पुलिस जुट गई थी। इस घटनाक्रम में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। पूरा मामला जो आजमगढ़ जिले से निकल कर आ रहा है और इस घटना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और प्रिंसिपल आफताब आलम की शिकायत बड़ी संख्या में अभिभावकों ने थाने पहुंचकर की थी। अभिभावकों की गलत हरकत करने का मामला और गाली गलौज करने के आरोप लगाए गए थे और इस क्रम में सिधारी थाना प्रभारी विकास तंद्र पांडे ने तलाश शुरू की तो यह सभी आरोप है जो सही पाए गए थे। आरोपी प्रिंसिपल आफताब आलम को सिधारी थाना क्षेत्र के हाइड्रेल चौराहे के छतवरा ओवरब्रिज के पास से ही हिरासत में लिया गया है और आरोपी के विरुद्ध कई धाराओं में अब रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि अब उसे न्यायालय भेजा जाएगा, जहां से बहुत ही जल्द उसे जेल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।